राजधानी लखनऊ में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 12,909 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें कि यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट का 1.66% है। बजट के दौरान राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 12,909.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट इस साल फरवरी में पेश किए गए मूल बजट का 1.66% है। इसके तहत ही सीएम योगी ने महिला अपराध को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अपराध निपटारे में आज यूपी नंबर वन है। 2016 के मुकाबले महिला अपराध में कमी आई है। महिला सम्मान के लिए सरकार गंभीर है। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि सरकार कड़ी पैरवी से महिला और बाल अपराध से जुड़े अपराधियों को सजा दिला रही है। महिला अपराध के केस निपटने में यूपी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक अनुदान मांगों की को विवरण प्रस्तुत करता हूं। आज मान्यवर, ये जी आप बोले, इस बारे में ब्रीफ प्लीज बताइए। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, आज जो अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मान्यवर, उसमें 12,909.93 करोड़ रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए है। माननीय प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। इसमें जो खास तौर से 7,500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए अनुपूरक बजट में, 2,000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बसें खरीदने के लिए, नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों के में लैब की स्थापना के लिए तथा 28.40 करोड़ रुपए 1,040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्य संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही माननीय ये विधानसभा सचिवालय के लिए स्थापित डाटा सेंटर का नवीनीकरण, ये 325 करोड़ रुपए, तो वो 325 लाख अर्थात 3 करोड़ 25 लाख। विधानसभा मंडप में स्थापित डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और साइबरती उपकरणों का विस्तार 198,86,000। विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल CCTV सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना उपकरणों का विस्तार। माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और वास्तविक तथ्य इस माननीय सदन के समक्ष आने चाहिए। महिला और बाल सुरक्षा और खासतौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वह केवल बाहर से ही नहीं होते हैं, इसके दोनों तरीके हैं, घर के अंदर भी और घर के
बाहर भी, और इसलिए इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रख करके सरकार ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं वह इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में बहुत आवश्यक है। अगर मैं महिला संबंधी अपराध को, जिसमें घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई जो या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी हुई जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करूं, तो सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूं कि 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है।